स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल करमीर में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से प्रैक्टिकल शिविर को लेकर सूचना आ रही है, और आज जो सूचना आई है ये रीजनल सेंटर कोटा की तरफ से है। जो कोर्सेज है MSc केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर के लिए अनिवार्य प्रायोगिक संपर्क शिविर केवल जनवरी 2018 इससे पहले के जो पूर्व के जो विद्यार्थी है उनके लिए है। MSc केमिस्ट्री प्रीवियस क्षेत्रीय केंद्र कोटा पर प्रवेशित विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय केंद्र कोटा द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विज्ञान भवन में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला पर सत्रांत परीक्षा जून 2020 यानी जिन्होंने जो जून 2020 पिछले साल की जो परीक्षा थी उनके लिए जो प्री एवं डिफॉल्टर और सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2020 जो अभी फरवरी मार्च में जो हुई है दिसंबर फरवरी मार्च 21 में हुई है उनके लिए जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म यानी जो डिफॉल्ट जो यानी कि जिनका जनवरी 2018 इससे पहले का आवेदन किया हुआ अभी भी MSc उनकी पूरी नहीं हुई है और उनके जो प्रैक्टिकल पेपर के लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरे हुए हैं और उनके जो प्रैक्टिकल पेपर नहीं हुए जिन्होंने जून 2020 में प्रैक्टिकल फॉर्म भरा है जो परीक्षा और दिसंबर 20 में भी जिन्होंने परीक्षा के लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरा है विद्यार्थियों के नियमानुसार 20 दिवसीय जो प्रायोगिक संपर्क शिविर निम्नानुसार आयोजित किया जा रहा है। प्रायोगिक कक्षा समय सारणी और प्रायोगिक परीक्षा की जो सूचना शिविर के दौरान दी जाएगी। ये आपका जो शिविर आरंभ हो रहा है ये 17 अक्टूबर 2021 से जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय परिसर में जो रसायन विज्ञान जो प्रयोगशाला है उसी में आपका ये शिविर होगा। और इसमें जैसा कि हम सब जानते हैं जो 75% जो अटेंडेंस है ये अनिवार्य है और इसके अभाव में आपको जो प्रायोगिक परीक्षा होगी उससे आपको वंचित रखा जा सकता है। इस कारण आपका रिजल्ट भी अपूर्ण रह सकता है जिसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी स्वयं की होगी, क्योंकि आप जनवरी 2018 इससे पूर्व के विद्यार्थी हैं तो इस चीज़ को आप महत्व समझते होंगे कि समय का कितना महत्व, तो इसलिए आप अपनी अटेंडेंस पूरी रखें, आप अपनी परीक्षा दें और अच्छी तैयारी करें। और इसमें आपको एक फ़ोटो आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड लाइसेंस वोटर कार्ड वो आपको लेकर जाना है। और जो प्रायोगिक परीक्षा की जो सूचना आपको शिविर के दौरान दी जाएगी और प्रवेश जुलाई 2019 MSc केमिस्ट्री प्रीवियस में ले चुके विद्यार्थी जिनका जो स्कूल नंबर 19 से प्रारंभ हो रहा है के लिए प्रायोगिक संपर्क शिविर नहीं है, ये 19 वालों के लिए नहीं यानी नहीं है और ये जनवरी 18 या इससे पूर्व के विद्यार्थियों के लिए है। उसके लिए न्यू स्कीम के तहत यानी जो ये जो ओल्ड स्कीम के तहत है अभी जो न्यू स्कीम के तहत बाद में ये आएगी, ये 17 जनवरी 2020 में केमिस्ट्री प्रीवियस के लिए जिनका स्कूल नंबर 20 से आरंभ हो रहा उनके लिए यह नहीं है, उनके लिए न्यू स्कीम के तहत अलग से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना आएगी। कहने का मतलब ये जनवरी 18 या उनसे पहले का जुलाई 19 और जुलाई 20 के लिए नहीं है, उनके लिए अलग से सूचना आएगी। और कोविड के जो गाइडलाइन है उसको आपको पालन करना है और जैसे मास्क या सैनिटाइज वगैरह, और वैसे भी हम पिछले 2 सालों से इसकी जो गाइडलाइन की आदि हो चुके तो हमें पता है वो किस तरह हमें करना है। तो और जो प्रैक्टिकल की जो समय सारणी है इसका जो संशोधन करने का विश्वविद्यालय को अधिकार है, आप वहाँ पर जाएं आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।